ये कहानी है नंदनार नाम के एक ऐसे शिव भक्त की, जिसे बचपन से ही लगता था कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। नंदनार के माता पिता उसे बचपन से ही भगवान शिव से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। इसी कारण नंदनार को महसूस होता रहता था कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। भक्त के रूप में नंदनार शिव जी के बेहद करीब आ चुका था। वो हर वक्त भगवान शिव का ही नाम लेता रहता था, पर उसने कभी शिवलिंग को छुआ तक नहीं था। नंदनार एक बंधुआ मजदूर था, इसलिए वो समाज में एक अछूत के समान जीवन जी रहा था। जहाँ नंदनार रहता था, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर था। नंदनार हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था, मगर अपने मालिक के कहे बिना नंदनार कहीं भी नहीं जा सकता था। नंदनार ने कई बार जमींदार को अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर जमींदार नहीं माना। मालिक, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा। मेरी बड़ी इच्छा है भगवान शिव के दर्शन करने की। अभी तो तू नहीं जा सकता, तेरा जाना मुश्किल है। बहुत काम पड़ा है, आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों तुम्हें जमीन जोतनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते, तुम वैसे ही किसी काम के नहीं हो। तुम मंदिर जाने के बहाने एक पूरा दिन बर्बाद करना चाहते हो, नहीं? जमींदार ने नंदनार को कहीं भी जाने के लिए साफ मना कर दिया, मगर नंदनार के मन में भगवान शिव के मंदिर जाने की इच्छा कम नहीं हुई। नंदनार बस एक बार अपने भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था। एक दिन उसके पूरे शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा फड़कने लगी। ना जाने उसमें वो हिम्मत कहाँ से आई। वो जाकर जमींदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया। जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं था, ना ही उसके पास होने की कल्पना की जाती है। मालिक, मुझे बस एक बार शिव मंदिर जाने की आज्ञा दे दो, आपका बड़ा एहसान होगा। मैं तेरा क्या करूं? तू फिर से शुरू हो गया मूर्ख कहीं के। पिछली बार तेरी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी थी, उससे पहले तेरी दादी 3 बार मरी, अब तू मंदिर जाना चाहता है, ये सब नहीं हो सकता। मालिक, उसकी चिंता आप मत करो, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा। कल सिर्फ एक दिन की बात है, मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। नंदनार अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके आगे जमींदार ने हार मानकर कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके ही मंदिर जा सकते हो। नंदनार को पता था कि ये कार्य करना उसके लिए बिल्कुल असंभव है, इसलिए वो चुपचाप सोने चला गया। पर वो जानता था कि इस बार उसे मंदिर जाना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। नंदनार घबराए मन से रात को सो गया और अपने भक्त की प्रेरणा को देखकर भगवान शिव स्वयं धरती पर आ गए और उन्होंने जमींदार की जमीन जोत दी। नंदनार के हिस्से का सारा कार्य भगवान शिव ने निपटा दिया। सुबह जब नंदनार सोकर उठा तो गांव में हंगामा मचा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह गया। नंदनार ने देखा 40 एकड़ जमीन जोती हुई थी। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार नंदनार के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो प्रभु, जिसके रक्षक स्वयं शिव हो, जिसके कर्ता धर्ता स्वयं महादेव हो, मैं उसी को बांध कर रख रहा था। ये तो सच्चा शिव भक्त है, ये मंदिर जा रहा है, इसे ईश्वर ने खुद चुना है, शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी। हे प्रभु, आप स्वयं मेरे लिए आए, आपकी लीला अपरंपार है ईश्वर। नंदनार दिल में परम आनंद लेकर मंदिर गया, मगर एक अछूत का जीवन जीने के कारण वो नहीं भूला था कि पुजारी उसे मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करने देंगे। नंदनार की आंखों में आंसू थे, वो मंदिर के बाहर ही खड़ा शिवलिंग के दर्शन करने लगा। नंदलाल सिर्फ एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था। मंदिर के भीतर आने की तुम्हें अनुमति नहीं है, दर्शन करने हैं तो यहीं बाहर से करो। हे भगवान, हे शिव, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आपके दर्शनों की इच्छा लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरी अभी तक बहुत सहायता की है, बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। मंदिर के पुजारी ने नंदनार को मंदिर में आने के लिए मना कर दिया। तब भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए अपना एक और चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर मंदिर के पुजारी और भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। शिवलिंग के ठीक आगे नंदी की एक विशाल मूर्ति थी। देखते ही देखते वो मूर्ति शिवलिंग के आगे से हटकर एक ओर खिसक गई। सब लोग हाथ जोड़कर नंदनार के सामने खड़े हो गए। वो गरीब मजदूर अपने दोनों हाथ उठाकर
हर हर महादेव का गुणगान कर रहा था, जय शिव शंकर बोल रहा था। और इसी कारण जिस बंधुआ मजदूर का कोई नाम नहीं था उसे लोग नंदनार कहकर बुलाने लगे और आगे चलकर नंदनार संत नंदनार बन गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसे थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तो शिव मंदिर में चढ़ा देता है, बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर, इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता, वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए, मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी, बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका, उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है, ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है, ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है, मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो ये समझता है, कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसे जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम चार गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं।
बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया, तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो। क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।